दर्शकों, मैं लिपिंग रिमो आपका डब्ल्यू एस का न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम है आईजी पार्क टेनिस कोर्ट के सामने। कारण यह है कि जो मिस्टर तपोपुलम जी है, जिन्हें पीएलए आर्मी ने अबदक्त कर लिया था, उनके परिवार और सीओमी के डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उन्हें सेफली रिटर्न करने का मांग करते हुए ये पीसफुल धरना करने का फैसला किया है। तो आइए उनसे कुछ जानते हैं। सो मेरा नाम अमोनी दिरुपुलम है, डॉक्टर इन लॉ श्री तापरपुलम, जिसको 2015 में अबदा कर लिया गया था चाइनीज़ पीएलए द्वारा। तो ये धरना एक्चुअली हम यहाँ पे उसको वापसी के लिए हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने मोनीगांव में 1 तारीख को हम लोग ने पीसफुल रैली करवाया था। इसके बाद में हम 2 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो में ही हमने करवाया। वो 2 करवाने के बाद भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के ओर से कोई लेटर या कोई ऑफिशियल कोई कुछ कवर नहीं आया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए इसी मतलब सेकेंड उम्मीद पे हम ये दोबारा धरना, एक पीसफुल धरना यहाँ ईटानगर में करवा रहे हैं। अगर इस धरना के बाद भी अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप लोग का फर्दर एक्शन क्या रहेगा? इस चीज़ को लेकर तो अभी तक हमने सोचा नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर किसी का थ्रो से हम किसी को मिल पाते ऐसा नहीं है। बट एज ए पब्लिक हम कोशिश करेगा कि हम मोदी जी से और अमित शाह सर से मिलने के लिए, एंड थ्रू मीडिया अगर मोदी जी और अमित शाह सर जी अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमको मिलिए। अपना जो कीमती वक्त है उसमें से 5 मिनट भी हो हमें दीजिए, हम आपसे मिलने दिल्ली तक आएगा, जैसे भी करके हम आएगा, एनी हाउ एनी कॉस्ट। जैसे ये बहुत बड़ा इशू है एंड बीइंग द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हमारे एमएलए डिस्ट्रिक्ट का, उससे आप लोगों ने ऑब्वियसली हेल्प जरूर मांगा होगा, देन व्हाट उसका रिस्पॉन्स क्या रहा? हाँ, एक्चुअली हम 13 फरवरी को हम यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए हुए थे ईटानगर में। और ईटानगर में मेरा जो मोनीगांव है जहाँ से मेरा फरवरी का इबदा किया गया, तो वहाँ से 2 दिन का सफ़र तय करके आना होता है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो हम 13 को आकर हमने एक प्रेस ब्रीफिंग किया। प्रेस ब्रीफिंग करने के बाद में 14 को एमएलए सर, जो स्पीकर सर है, उससे हम मिला, इन पर्सन मिला हमने। तो उन्होंने अश्योर किया कि हाँ, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका जितना भी होगा हम सेंटर तक पहुंचा देंगे। उसका काम है, वो इतना बड़ा तो नहीं कर दे पाएगा, बट उन्होंने ये कहा था कि वो मीडिएट कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि अपना तरफ से लेटर डालेगा, तो डाला, वो लेटर मेरे पास भी है फ़िलहाल। तो कल हम फिर उससे मिला, तो सर ने बोला था कि काम हो रहा है, बट सर की ओर से तो वो बता रहा था कि काम चल रहा है, लेकिन हम परिवार वालों को वहाँ से सेंटर से या फिर अरुणाचल गवर्नमेंट की ओर से कोई लेटर या कोई कॉल या कोई पर्सन नहीं आया हम परिवार से मिलने के लिए। हम परिवार 5-6 साल से बहुत ही दुख तकलीफ़ से गुजर के बैठा हुआ है। अभी ये चीज़ इशू जब आ रहा है तो हम लोग को और तकलीफ़ होता है, क्योंकि 6 साल से हम लोग अपना पिताजी को नहीं देखा है। तो अभी ये बात करते हैं तो एवरीथिंग, हम जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं तो हम रोते हैं, हम परिवार, और हम परिवार बहुत ही इतना भी बड़ा नहीं। आप देख सकते कि धरना में भी हम 2 ही 3 ही आदमी है जो परिवार से हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमारा कोई बड़ा सदस्य भी नहीं कि हाँ वो आके हम लोग को मदद करेगा या फिर हम लोग को ये सब भागदौड़ में, जो कुछ भी हाँ हम खुद कर रहे हैं। और मेरा भी इतना एज नहीं है कि हम ये सब चीज़, हमको इतना आइडिया भी नहीं, हम भी लर्निंग स्टेज में है। तो सर की तरफ से तो लेटर अभी तक सर तो बोल रहा है कि वो काम कर रहा है, वो करवा देगा, लेकिन अभी तक एक कंसोलेशन भी आ जाता हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि आप निश्चित रहिए, आपका काम हम लोग कर रहे हैं। और जैसे बाकी अथॉरिटीज़ है जिसको आपने अपील किया है, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा एंड वो कौन कौन है? सबसे पहले तो हमने निनोंग इरिंग सर को इन पर्सन भी बात किया था फ़ोन पे, उसके बाद में हमने उसको लेटर भी डाला था, इसके बाद हमने तपरगाँव सर को भी डाला था अपनी ओर से। तो तपरगाँव सर की ओर से तो जितना भी करना था सर ने कर दिया, उन्होंने लोकसभा में भी ये बात को क्वेश्चन को अराइज किया है, आप सभी को तो पता ही होगा। और निनोंग इरिंग सर ने भी अश्योर किया है कि ये जो चीज़ है या आपका जो फादर इन लॉ है, अगर वो ज़िंदा है हम वापस लेकर आएंगे, और अगर वो मर भी गया है तो कैसे मरा है, कहाँ पे मरा है, कैसे करके उसका साथ में किया हुआ है, वो हम पता जरूर लगवा देंगे, ऐसा असूर किया था। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली सॉरी अबाउट योर फादर इन लॉ हु वाज बीन अबडक्टेड
वे बैक इन 2015 एंड टुडे इज 2022। तो लाइक गवर्नमेंट भी इंटरवीन अभी तक आप जैसा बोल रहा है नहीं कर रहा करके, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मेरा शुरू से लेकर फरवरी 2 तारीख को हमने लेटर डाला था, पहला लेटर हमने फरवरी 2 तारीख को डाला था। तो फरवरी 2 तारीख से लेकर अभी तक से लेकर जब तक मेरा फर्ड इन लॉ नहीं आते तब तक हम यही अपील करता रहेगा, यही रिक्वेस्ट करता रहेगा। मेरा तरफ से मैसेज यही है, सबसे पहले तो ये है कि मेरा फर्ड इन लॉ को जितना जल्दी हो सके आप ट्रेस आउट करके, एटलीस्ट ट्रेस आउट तो कर दीजिए कि वो वहाँ मतलब ज़िंदा भी है कि नहीं है, क्या पता उसको मार भी दिया मतलब मार भी डाला हो सकता है। तो एटलीस्ट ट्रेस आउट तो कर दीजिए कि वो वहाँ पे है, तो पहले वो कर दीजिए, उसके बाद अगर वहाँ है तो प्लीज़ हमको मतलब वापस ला दीजिए। 6 साल बिना पिताजी का रहना बहुत ही मुश्किल होता है, जितना भी बच्चा बड़ा हो जाए माँ पिताजी का जब तक शायद उसका माता में नहीं रहता है तो वो कभी लाइफ में सक्सेस भी नहीं होता, उसका वो कुछ कर भी नहीं पाता है। तो वो वहाँ है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा पूरा परिवार से शुरू से लेकर अभी तक का रिक्वेस्ट है, इन फ्यूचर भी अगर नहीं आता है तो यही रिक्वेस्ट है। दूसरा, थ्रू मीडिया हम ये मैसेज करना चाहेगा जितना भी जो हमको देख पा रहे जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो हम जिसके पहुँच में हम नहीं आ पाते हैं, तो बस हमें अमित शाह सर जी से उनके बाद उसके पास में मोदी जी से हमको मिलना है। अगर आप दोनों सर आप दोनों अगर हमको सुन पा रहे हैं हमको देख पा रहे हैं तो प्लीज़ हमको अपना कीमती वक्त से 5 या 2 मिनट देके हमको मिलिए, हम दिल्ली तक आएगा। ये धरना करते ही हम कोशिश कर रहे हैं बहुत बहुत दिन से, हम फेवरी मंथ से ही कोशिश कर रहे हैं। जब मिरन तरम लौट कर आया था तो वो जब अपना परिवार से मिला था तो हम लोग को भी एक मतलब बहुत बड़ा बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, इसीलिए तो हम ये इशू को मीडिया के सामने लेकर आए। उस वक्त 2015 में हमारे वहाँ पे कोई मीडिया फैसिलिटी नहीं था और ईटानगर में भी जितना तक हमको पता है मीडिया उस वक्त इतना एक्टिव नहीं था, तो अभी 2-3 साल में मीडिया भी बहुत एक्टिव हो गया है, तो इसीलिए हम मीडिया ब्रीफिंग के लिए भी हम ईटानगर तक दो दिन का सफ़र तय करके आया था। तो अपील मेरा अभी भी वही है, प्लीज़ मेरा फादर इन लॉ को ला दीजिए, वो आने से एक मतलब बच्चा को उसका बाप मिल जाएगा, एक बहू को उसका फादर इन लॉ मिल जाएगा, इसके बाद एक बाप को उसका बेटा मिल जाएगा, जैसे बाकी लोग को लेके आया है इसी तरह से मेरा फादर इन लॉ को भी ला दीजिए। क्योंकि फादर इन लॉ फर्स्ट से जिसको पकड़ा गया था मोनीगांव से, उसका पीछे जिन लोगों को भी पकड़ा है वापस लेकर आया है, जो चाहे वो हमको नहीं पता वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता था या फिर नहीं करता था वो नहीं पता, लेकिन मेरा फादर इन लॉ हंटिंग प्रपोज के लिए गया हुआ था और मेरा पास जो विटनेस है, गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास क्या सबूत है कि आपका फादर इन लॉ को चाइनीज़ वाला है लेकर के, हमने विटनेस को पूरा खर्चा करके हमने खुद खर्चा करके लेकर आया, विटनेस को भी बोला, विटनेस को भी मीडिया के सामने लेकर आया, विटनेस भी यही है मेरा पास अभी भी विटनेस है, लेकर गया है, नहीं पता वो जिंदा है कि नहीं है, बस हमको उसको ला देने में मेरी मदद कर दीजिए, बस इतना ही।